प्रोडक्ट का क्या कॉन्सेप्ट है, उत्पाद किसे कहते हैं। प्रोडक्ट का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन जो भी ऑफर करती है अपने भावी कस्टमर्स को या क्लाइंट्स को। यह ऑफर किसी गुड़ के लिए हो सकता है, सर्विस के लिए हो सकता है, या किसी इंटेंजिबल आइडिया के लिए हो सकता है। जो कुछ भी ऑफर किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, मार्केटर के द्वारा अपने कस्टमर को, उसको प्रोडक्ट कहते हैं। प्रोडक्ट मिक्स क्या कहलाता है। प्रोडक्ट मिक्स का मतलब उन सभी एक्टिविटीज से है जो प्रोडक्ट से रिलेटेड होती हैं और जो सेलर प्रोवाइड कराता है। इसमें ब्रांडिंग, ट्रेडमार्क, पैकेजिंग, लेबलिंग, ये सब आ जाता है। मतलब प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, जितने भी डिसीजन होते हैं, वो सब प्रोडक्ट मिक्स कहलाते हैं। जैसे मार्केटिंग से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जितने भी डिसीजन हैं, उन सबको हम मार्केटिंग मिक्स बोलते हैं। ऐसे प्रोडक्ट से रिलेटेड सभी डिसीजन को प्रोडक्ट मिक्स बोला जाता है। इनमें सबसे पहले बात करते हैं ब्रांडिंग की। ब्रांडिंग क्या है। ब्रांडिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड की जाती है किसी प्रोडक्ट को या सर्विस को, जिससे उसको पहचान सकें। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ब्रांड नेम। अब ब्रांडिंग के अंतर्गत हम ब्रांड नाम दे सकते हैं, उसको पैकेज पे खास टाइप का डिजाइन बना सकते हैं जिससे लोग पहचान कर लें कि ये वो प्रोडक्ट है या उस कंपनी का प्रोडक्ट है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एक अच्छे ब्रांड नेम के। एक अच्छे ब्रांड नेम के कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सिंपल होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, आसानी से प्रोनाउंसिएबल होना चाहिए, सजेस्टिव होना चाहिए, डिस्टिंक्टिव होना चाहिए और उनसे अलग होना चाहिए। एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग। ब्रांडिंग के एडवांटेज क्या है। इसके एडवांटेज है एडवर्टाइज करने में मदद करता है या एस्टेब्लिश करता है परमानेंट आइडेंटिटी किसी प्रोडक्ट की। एक बार कोई प्रोडक्ट, जैसे अगर मान लो कि हम बाटा का जो फुटवियर है वो यूज करते हैं, तो क्योंकि बाटा हमने सुन लिया है, बाटा उसका ब्रांड नेम हो गया है, तो अब वो हमारे माइंड में बैठ जाता है, बार बार हम उसकी डिमांड कर सकते हैं। ऐसे ही कोई डिजाइन भी हो सकती है, कोई लोगो भी हो सकता है ब्रांड का। यह प्रमोट करता है रीपर्चेजिंग को, फिर से परचेज करते हैं लोग। कॉम्पिटिशन बिकम्स इजियर, कॉम्पिटिशन आसान हो जाता है ब्रांड लॉयलिटी बनने के बाद। ब्रांड लॉयल्टी का मतलब होता है कुछ ब्रांड इतने मशहूर हो जाते हैं कि लोग उनको पसंद करने लगते हैं, ओवर द ईयर्स वो अच्छा परफॉर्म करते रहते हैं तो लोग उनके लॉयल हो जाते हैं, वफादार हो जाते हैं, और इसलिए उस ग्रुप को ब्रांड लॉयल्टी का फायदा मिलता है। औरों की बजाय उस ब्रांड के कमोडिटीज को खरीदना लोग ज्यादा पसंद करते हैं। लेबलिंग। लेबलिंग क्या है, यह भी प्रोडक्ट मिक्स का ही एक एक्टिविटी है। लेबलिंग के अंतर्गत ये ऐसी प्रोसेस है लेबलिंग जिसमें प्रिपेयर किया जाता है एक लेबल। लेबल क्या होता है, आप देखेंगे कि कोई प्रोडक्ट आपने आपके पास है तो उसके ऊपर कुछ लिखा होता है, उसका नाम, उसकी फीचर्स, उसकी मैन्युफैक्चरिंग की डेट, उसके कंटेंट क्या क्या है, जितनी भी रिटर्न जानकारी उस पर मौजूद होती है जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देती है उस प्रोडक्ट के बारे में, और इसको हम लेबल कहते हैं जो उसके ऊपर लगा हुआ होता है, चिपका हुआ होता है। इसको पढ़ करके कस्टमर जान सकता है प्रोडक्ट के बारे में अपने आप भी। ये एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन देता है कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में। लेबलिंग के फंक्शन क्या है, आइडेंटिफिकेशन। लेबल पे ही ब्रांड मार्क लगा होता है, लेबल पे ही ब्रांड नाम लिखा होता है। क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफाई करने में मदद करता है, हम पहचान कर सकते हैं अलग अलग प्रोडक्ट की। प्रमोशन करने में मदद करता है, प्रमोशन का भी काम करता है एक तरह से, लोगों को अट्रैक्ट करता है, इन्फॉर्मेशन भी देता है लोगों को, और लीगल रिक्वायरमेंट को भी पूरी करता है। कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनके बारे में लीगल रिक्वायरमेंट होती है कि आपको इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, आपको इसकी मैच्योरिटी डेट, ये सब बतानी पड़ेंगी। पैकेजिंग। पैकेजिंग भी एक प्रोडक्ट से रिलेटेड एक्टिविटी है। पैकेजिंग वो एक्टिविटी है जिसमें डिजाइन किया जाता है और प्रिपेयर किया जाता है कंटेनर। कंटेनर वो एक कंटेनर एक ऐसा आइटम होता है जिसमें प्रोडक्ट को हम पैक कर सकते हैं, तो उसको डिजाइन करने का जो काम है वही पैकेजिंग कहलाता है। फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग के क्या काम है, ये प्रोटेक्शन देता है प्रोडक्ट को, आइडेंटिफिकेशन करने में मदद करता है, कन्वीनियंस होती है उठाने में, करने में, ले जाने में, यूज करने में। प्रमोशन, प्रमोट करने का भी एक साधन है, यानी कि लोगों को आकर्षित भी करता है अच्छा जो पैकेजिंग है वो। प्राइस नेक्स्ट आ जाता है। प्राइस, अब इट इज द अमाउंट। प्राइस का मतलब उस अमाउंट से जो किसी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए सेलर चार्ज करता है और बायर पे करता है। प्राइस मिक्स। अब प्राइस से रिलेटेड जितने भी डिसीजन होते हैं, जितने भी फंक्शंस होते हैं, वो सब प्राइस मिक्स कहलाते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो याद रखने पड़ते हैं, ध्यान में रखने पड़ते हैं कंपनी को, तब प्राइस तय किया जाता है। जैसे कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉस्ट क्या है सामान की, कॉम्पिटिशन कितना है, कस्टमर डिमांड क्या है, इन सब को देखते हुए प्राइस तय किया जाता है। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग प्राइस। इसके अलावा और कौन से फैक्टर्स है जो प्राइस डिटरमाइन करने में मदद करते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डिमांड फॉर प्रोडक्ट, कॉम्पिटिशन,
मार्केट में परचेजिंग पावर ग्राहक की, गवर्नमेंट के रेगुलेशन और साथ ही साथ कंपनी का ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है प्लेस या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट। अब प्लेस मिक्स या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इसको कहते हैं। प्लेस या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है यह मार्केटिंग मिक्स का वो एलिमेंट है जिसमें एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम किया जाता है कि कंज्यूमर को राइट टाइम पे राइट प्लेस पे सामान मिल जाए। प्लेस मिक्स में वो सारी एक्टिविटी, वो सारे डिसीजन आ जाते हैं जो लिए जाते हैं उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए। एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन या जो प्लेस होता है प्रमोशन का, जो 4P होता है, एक चौथा पी होता है, इसमें शामिल होता है ट्रांसपोर्टेशन का काम, इन्वेंट्री का काम, वेयर हाउसिंग का काम और ऑर्डर प्रोसेस करने का काम। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या टाइप्स। डिस्ट्रीब्यूशन के जो चैनल होते हैं वो कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं। डायरेक्ट चैनल हो सकता है, इसको जीरो लेवल चैनल कहते हैं। इसमें जो प्रोड्यूसर होता है वो डायरेक्ट कंज्यूमर को अपना सामान भेज देता है, इसमें बीच में कोई भी नहीं होता है। इसके अलावा इनडायरेक्ट चैनल में बीच में कोई ना कोई कड़ी होती है, जैसे वन लेवल अगर होगा तो मैन्युफैक्चरर रिटेलर को भेजता है, तब रिटेलर कस्टमर को भेजता है। टू लेवल अगर होता है तो मैन्युफैक्चरर होलसेलर को भेजता है, होलसेलर रिटेलर को भेजता है, तब कस्टमर के पास सामान जाता है। थ्री लेवल में मैन्युफैक्चरर से एजेंट को जाता है, होलसेलर को जाता है, रिटेलर को जाता है, तब कस्टमर को जाता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ चैनल्स। अब चॉइस ऑफ चैनल्स को प्रभावित करने वाले फैक्टर, यानी कि हम चैनल कौन सा वाला अपनाएं, डायरेक्ट बेचें, इनडायरेक्ट बेचें, उसमें भी रिटेलर के माध्यम से जाएं, एजेंट के माध्यम से जाएं, तो ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट की वैल्यू पे, प्रोडक्ट के नेचर पे, नंबर ऑफ बायर्स पे, कितने ज़्यादा बायर्स हैं, खरीदार हैं, टाइप्स ऑफ बायर्स पे, साइज ऑफ मार्केट पे, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ पे, इन सब पे डिपेंड करता है। जैसे एक को डिस्कस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं नंबर ऑफ बायर, अगर बायर्स की संख्या बहुत कम है तब तो प्रोड्यूसर सीधे भी सामान बेच सकता है, लेकिन बायर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल मान लो इंडिया में कोई कंपनी सामान बनाती है जो करोड़ों यूजर उसके हैं, तो अब ये संभव ही नहीं कि वो करोड़ों लोगों के पास डायरेक्ट सेल कर पाए, तो उसको रिटेलर्स के माध्यम से ही जाना होगा, होलसेलर के माध्यम से जाना होगा, होलसेलर रिटेलर के पास जाएगा, रिटेलर तब कंज्यूमर तक पहुंचेगा। नेक्स्ट है प्रमोशन। प्रमोशन क्या है? यह मार्केटिंग मिक्स का वो एलिमेंट है जिसमें शामिल होता है मार्केटिंग कम्युनिकेशन से रिलेटेड सभी जो एक्टिविटीज हैं वो शामिल हो जाती हैं इसमें। प्रमोशन मिक्स का मतलब उन सभी प्रमोशनल एक्टिविटीज से होता है, कंबाइंड फॉर्म से होता है जो सेल इंक्रीज करने के लिए यूज होती हैं। इसमें ये सब आ जाते हैं जिनको हम एलिमेंट ऑफ प्रमोशन भी कहते हैं। इसमें एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन और पब्लिक रिलेशन, इन सबसे रिलेटेड जितने भी डिसीजन होते हैं उनको मिलाकर के प्रमोशन कहते हैं। प्रमोशन ऐसी एक्टिविटी है जिसमें सामान को बेचने के लिए प्रमोट किया जाता है, यानी कि वो सारे एफर्ट जो सामान के सेल के लिए होते हैं ताकि कस्टमर को इन्फॉर्म किया जा सके, ये सब प्रमोशन है। अब सबसे पहले बात करते हैं एडवर्टाइजिंग की। एडवर्टाइजिंग क्या है? एडवर्टाइजिंग एक पेड फॉर्म है, पैसा दे करके ये कम्युनिकेशन करवाया जाता है, सेलर के द्वारा बायर तक पहुंचवाया जाता है। नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन टू प्रमोट आइडियाज। नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन होता है, हम एडवर्टाइज करते हैं, किसी वन पर्सन के पास नहीं जाते बल्कि बड़े लेवल पे बहुत सारे लोगों तक पेम्पलेट लगा करके, बैनर्स लगा करके, ऑडियो वीडियो बना करके हम लोगों के पास अपने आइडिया, अपनी गुड्स या सर्विसेज के बारे में जानकारी पहुंचाते हैं। इसका जो स्पॉन्सर होता है वो आइडेंटिफाइड होता है, यानी कि पता होता है कौन पर्सन इसको स्पॉन्सर कर रहा है, कौन एडवर्टाइजिंग करा रहा है। मेरिट्स, इसके मेरिट है मास रीच, बड़े लेवल पे रीच होती है, एक बार एक ऐड बना दी तो पूरे इंडिया में एक साथ दिखाई जा सकती है। एनहेंस कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन में बढ़ावा करती है, जो कस्टमर कंपनी का सामान यूज करते हैं जब वो एडवर्टीजमेंट भी देखते हैं तो उनको सेटिस्फैक्शन मिलता है। एक्सप्रेसिवनेस, एडवर्टीजमेंट के माध्यम से सेलर अपनी सभी जानकारी जो देना चाहता है ग्राहकों को वो उनको अच्छे से एक्सप्रेस कर सकता है। इकोनॉमिकल, एक सस्ता माध्यम है, मास लेवल पे करोड़ों लोगों तक आसानी से एक ही बार में पहुंचा जा सकता है। लिमिटेशन, इसकी कुछ लिमिटेशन भी है, लेस फोर्सफुल है, कम फोर्सफुल है इसमें, क्योंकि जो सेलर है उसकी रुचि का ध्यान नहीं रखा जाता है, केवल जो बायर जो है उसकी रुचि का ध्यान नहीं रखा जाता है, सेलर जो बना देता है वही दिखाया जाता है केवल। लैक ऑफ फीडबैक, फीडबैक की कमी रहती है, ये पता नहीं चलता है कि जो बायर है उसका रिस्पॉन्स क्या है। इनफ्लेक्सिबिलिटी, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, एक बार जो एड बना दी वही चलेगी। लो इफेक्टिवनेस, इसका प्रभाव भी कम रहता है। इसके फीचर्स हैं, पेड फॉर्म है, पे करके कराया जाता है एडवर्टीजमेंट, चाहे आप टीवी पे कराएं, न्यूज़पेपर में कराएं, मैगजीन में कराएं, बोर्डिंग से कराएं, होर्डिंग से कराएं,
इम्पर्सनल प्रेजेंटेशन है। इम्पर्सनल प्रेजेंटेशन मतलब होता है ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करता, एक बार जो बना दिया सभी को वही दिखाया जाता है। स्पीडी कम्युनिकेशन है, तेजी से बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकता है। आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर है, इसका जो स्पॉन्सर होता है वो आइडेंटिफाइड होता है, पता होता है कौन सी कंपनी ये एडवर्टीजमेंट करा रही है। ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट, अब एडवर्टीजमेंट के अगेंस्ट कुछ ऑब्जेक्शंस हैं कुछ थिंकर्स के, वो लोग कहते हैं कि एडवर्टीजमेंट होना नहीं चाहिए, इससे नुकसान होता है। तो वो क्या ऑब्जेक्शंस हैं जिनकी वो बात करते हैं? वो कहते हैं ऐड टू कॉस्ट, ये लागत को बढ़ाता है, जो भी खर्च होता है अल्टीमेटली वो सामान की कीमत में जुड़ जाता है, ग्राहक को बियर करना पड़ता है। कुछ एडवर्टीजमेंट ऐसे होते हैं जो टेस्ट में बैड माने जाते हैं, यानी कि अच्छे नहीं होते हैं, मतलब वो समाज के लिए बेटर नहीं होते हैं, अंडरमाइन करते हैं सोशल वैल्यूज को, कंफ्यूज करते हैं बायर को, एनकरेज करते हैं इनफीरियर गुड्स की सेल को, गुड्स चाहे खराब है अच्छा एडवर्टीजमेंट बना करके उनकी सेल को एनकरेज किया जाता है। पर्सनल सेलिंग, अब पर्सनल सेलिंग क्या है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? पर्सनल सेलिंग का मतलब होता है फेस टू फेस इंटरेक्शन सेलर के और बायर के बीच में। इसके फीचर्स हैं पर्सनल इंटरेक्शन होता है, यानी कि वन टू वन बातचीत होती है, टू वे कम्युनिकेशन होता है, सेलर भी अपनी बात रखता है बायर भी अपनी बात रखता है, बेटर रिस्पॉन्स मिलता है, रिलेशनशिप बढ़ता है। क्वालिटीज ऑफ ए गुड सेल्समैन, अब एक अच्छे सेल्समैन की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, उसमें फिजिकल क्वालिटीज में पर्सनैलिटी, उसका स्टेमिना, हेल्थ, टोलरेंस आ जाते हैं। मेंटल क्वालिटीज में मेंटल अलर्टनेस, शार्प मेमोरी, इनिशिएटिव, यानी कि ये सब होना चाहिए एक सेलर में, इमेजिनेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सोशल क्वालिटीज में एक सेलर में सोशियबिलिटी होनी चाहिए, टैक्टफुल होना चाहिए, वो साउंड कैरेक्टर उसका होना चाहिए, स्वीट नेचर होनी चाहिए। वोकेशनल क्वालिटीज में उसको प्रोडक्ट की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट की भी नॉलेज होनी चाहिए, उसको ट्रेनिंग और एप्टीट्यूड बेटर होना चाहिए। नेक्स्ट है सेल्स प्रमोशन कॉन्सेप्ट, अब जो सेल्स प्रमोशन है ये क्या है? मार्केटिंग एक्टिविटीज जो सेल को इंक्रीज करने के लिए की जाती हैं, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग और पब्लिसिटी के अलावा, इसके अलावा जितनी भी एक्टिविटीज की जाती हैं वो सब सेल्स प्रमोशन कहलाती हैं। ये शॉर्ट टर्म बेसिस पे की जाते हैं कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। डिफरेंट इनके टेक्निक्स हैं जो सेल्स प्रमोशन में यूज होती हैं, जैसे रिबेट है, डिस्काउंट, रिफंड, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, क्वांटिटी गिफ्ट, इंस्टेंट ड्रॉ, असाइंड गिफ्ट, लकी ड्रॉ, यूजेबल बेनिफिट, फुल फाइनेंस, जीरो डाउन पेमेंट, 0% इंटरेस्ट, EMI, फ्री सैंपल, कॉन्टेस्ट, यानी कि ये सब ऐसे शॉर्ट टर्म टैक्ट होते हैं, युक्ति होती हैं जो कस्टमर्स को ज्यादा अट्रैक्ट करने के लिए की जाती हैं ताकि सेल बढ़ाई जा सके। पब्लिक रिलेशन कॉन्सेप्ट या मीनिंग, पब्लिक रिलेशन क्या है? पब्लिक रिलेशन है कि कंपनी के द्वारा पब्लिक के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करना। ब्रिटिश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक रिलेशंस के अकॉर्डिंग पब्लिक रिलेशन एक डेलिब्रेट मतलब एक सोच समझ करके किया गया प्रयास होता है, प्लान्ड होता है, प्लान करके किया जाता है, सस्टेंड एफर्ट होता है यानी कि लगातार किया जाता है, टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन आवर ऑर्गेनाइजेशन एंड पब्लिक, जो ऑर्गेनाइजेशन है और पब्लिक है उसके बीच में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए और उसे मेंटेन करने के लिए किया जाता है। रोल ऑफ पब्लिक रिलेशन, पब्लिक रिलेशन का रोल क्या है? ज्यादा क्रेडिबल होता है, विश्वसनीय होता है, कम खर्चीला होता है, बेटर इमेज बनती है कंपनी की लोगों को माइंड में, सेल इंक्रीज होती है, लोगों को अट्रैक्ट करता है, गुड रिलेशंस बनते हैं। पब्लिक रिलेशन टूल्स टू शेप द पब्लिक इमेज, अब पब्लिक रिलेशन टूल कौन कौन से हैं जिनसे पब्लिक की इमेज, पब्लिक के माइंड में कंपनी की इमेज बनाई जा सकती है अच्छी? इसमें न्यूज, स्पीच और सेमिनार, इवेंट एंड फेयर्स, रिटर्न मटेरियल, पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज, कल्चरल एक्टिविटीज, टाइम टू टाइम जो कंपनीज हैं वो इन सबको करती रहती हैं अपनी तरफ से, लोगों तक अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाती रहती हैं। मार्केटिंग एनवायरनमेंट, अब बात आती है मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या है। जैसे एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि हमारे चारों तरफ की चीजें जो हमको प्रभावित करती हैं, वैसे ही बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है बिजनेस के चारों तरफ की चीजें जो बिजनेस को प्रभावित करती हैं। ठीक उसी तरीके से मार्केटिंग एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि वो सारी चीजें जो मार्केटिंग को अफेक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं, जो मार्केटर होते हैं उनकी कोशिशों को प्रभावित करती हैं। इसमें इंटरनल फैक्टर भी होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर भी होते हैं जो एक बिजनेस के सराउंडिंग में होते हैं और मार्केटिंग ऑपरेशंस को इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं। इंटरनल फैक्टर्स में लेबर, इन्वेंट्री, कंपनी की पॉलिसी, लॉजिस्टिक्स, बजट, कैपिटल असेट्स, ये सब आ जाते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स अगेन दो हिस्सों में बट जाते हैं, माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो। मैक्रो में वो फैक्टर्स आते हैं जो केवल एक फर्म को प्रभावित करते हैं, जैसे उसके कस्टमर, उसके सप्लायर, उसके डिस्ट्रीब्यूटर, उसके शेयर होल्डर, उसके कॉम्पिटिटर, उसके जनरल पब्लिक। और मैक्रो एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है जो एक फर्म को नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री पे एक साथ प्रभाव डालता है। इसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को शामिल किया जाता है। इन सब फैक्टर्स को मिलाकर के पेस्टल फ्रेमवर्क भी कहा जाता है। तो जो पेस्टल फ्रेमवर्क है
वो एक तरह किसी एक बिजनेस के मैक्रो एनवायरनमेंट से रिलेटेड होता है। अब इनको एक एक करके देखते हैं, पॉलिटिकल में क्या क्या आता है। जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है उसमें सरकार की पॉलिसी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी इन ओवरसीज मार्केट, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, टैक्स पॉलिसी, लेबर लॉ, एनवायरमेंटल लॉ, ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस, यहाँ पे कुछ ऐसे टॉपिक भी मिलेंगे हमें जो पॉलिटिकल में भी शामिल हो जाएंगे, एनवायरमेंटल में भी शामिल हो जाएंगे, लॉ में भी शामिल हो जाएंगे। बस फर्क इतना होता है कि जब हम इन पर्टिकुलर किसी भी एक टॉपिक की बात कर रहे होते हैं, एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट के नजरिए की, कि सरकार के नजरिए से इन पे क्या चेंज आया है, तब तो वो पॉलिटिकल एनवायरमेंट की बात होती है। इकोनॉमिक में आ जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट, इन्फ्लेशन, डिस्पोजेबल इनकम ऑफ कंज्यूमर। सोशल में आ जाता है, सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट, जैसे कि लैंग्वेज, सोशल नॉर्म्स, रिलीजन, एथिक्स, सोशियो इकोनॉमिक्स, कस्टम्स, ट्रेडिशन, सोसाइटल रेगुलेशन, नेशनलिज्म, एटीट्यूड, वैल्यूज एटसेट्रा। टेक्नोलॉजिकल में जो भी टेक्नोलॉजिकल चेंज है वो आ जाते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी, ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी एंड रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज। लीगल में एक्ट और लॉज मेड बाई गवर्नमेंट, कोर्ट रूलिंग्स एंड कंज्यूमर राइट्स आ जाते हैं। एनवायरमेंटल में आ जाते हैं इंक्रीजिंग स्केयर्सिटी ऑफ रॉ मटेरियल की जो स्केयर्सिटी बढ़ रही है उसकी बात हो रही है, तब ये एनवायरमेंटल है। यानी कि जब एनवायरमेंट के इम्पैक्ट पड़ता हो किसी फैक्टर का, तब सेम फैक्टर एनवायरमेंटल हो सकता है। जब एनवायरमेंट पे इफेक्ट की बात हो रही हो तो रॉ मटेरियल, पॉल्यूशन टारगेट, डूइंग बिजनेस एज एन एथिकल एंड सस्टेनेबल कंपनी, कार्बन फुटप्रिंट टारगेट सेट बाय गवर्नमेंट। जब हम गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखेंगे इस पॉइंट को, तो ये पॉलिटिकल हो जाएगा, लेकिन इसको हम एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यही पॉइंट एनवायरमेंटल हो जाएगा। सम अदर फैक्टर्स, कुछ अदर फैक्टर्स होते हैं जैसे डेमोग्राफिक फैक्टर, इसमें आ जाते हैं जेंडर, एज, एथनिसिटी, नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, डिसेबिलिटीज, मोबिलिटी, होम ओनरशिप, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, रिलीजियस बिलीफ और प्रैक्टिस। रेगुलेटरी में आ जाते हैं सरकार के रेगुलेशन, गवर्नमेंट रेगुलेशन, इंटरनेशनल, नेशनल स्टैंडर्ड, लोकल गवर्नमेंट बाई लॉज एटसेट्रा। नेक्स्ट है कंज्यूमर बिहेवियर। अब कंज्यूमर बिहेवियर क्या है और मार्केटर के लिए क्या इंपोर्टेंस है इसकी। कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब होता है कि एक कंज्यूमर किस तरीके से बिहेव करता है जब वो किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को खरीदता है या उसको ना खरीदने का डिसीजन लेता है। मार्केटर के लिए इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि मार्केटर को अगर कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में अच्छे से पता चले तो वो अपनी जो प्रोडक्ट तैयार करेगा वो उस हिसाब से करेगा जो मार्केटर की रिक्वायरमेंट होगी। साथ ही साथ वो अपना जो मार्केटिंग कैंपेन बनाएगा वो भी उसी हिसाब से बनाएगा कंज्यूमर के बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए, ताकि वो कंज्यूमर के बिहेवियर को पॉजिटिवली इंपैक्ट डाले और अपना सामान कंज्यूमर को बेच पाए। इसमें टाइप्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर। कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर तब कहा जाता है जब कंज्यूमर हाईली इन्वॉल्व होता है किसी सामान के परचेज करने में, उसके प्रोसेस में। जो सामान होता है वो काफी एक्सपेंसिव होता है, रिस्की होता है और इनफ्रीक्वेंटली बॉट होता है, मतलब वो बार बार खरीदा जाने वाला नहीं होता है। तो ऐसा सामान के बारे में जो कंज्यूमर का अक्सर बिहेवियर मिलता है वो कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है। इसमें जैसे कि मकान खरीदना ना तो रोज रोज खरीदा जाता है, तो इसलिए उससे खरीदने का जो डिसीजन है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। उसमें कंज्यूमर टाइम लेता है, जगह जगह देखता है, पैसा ज्यादा इन्वॉल्व होता है। ये कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर क्या होता है। इसमें जो कंज्यूमर होता है वो हाईली इन्वॉल्व होता है परचेज प्रोसेस में, उसको डिफिकल्टी होती है डिटरमाइन करने में डिफरेंस बिटवीन ब्रांड्स। यानी कि सामान जब उसके सामने होते हैं तो इस टाइप के होते हैं कि उनमें वो आसानी से डिफरेंस नहीं कर पाता है, और जब वो खरीदता है तो उसके माइंड में एक प्रॉब्लम चलती रहती है कि हो सकता है उस सामान को खरीदने के बाद उसको पछताना पड़े। डिसोनेंस यानी कि उसको बाद में लगे कि ये ठीक डिसीजन नहीं था, उसको ऐसा लगने लगे। तो ऐसे केस के लिए जब इस टाइप का नेचर होता है कंज्यूमर बिहेवियर का किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के रिगार्डिंग, तो जो मार्केटर होते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो उनको आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं, वो उनको रिटर्न पॉलिसी दे सकते हैं कि अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो आप वापस भी कर सकते हो। तो इस टाइप के बिहेवियर को इसलिए रीड किया जाता है ताकि मार्केटर के माइंड में जो डिसोनेंस है उसको दूर किया जा सके। नेक्स्ट है हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर। ये ऐसा बिहेवियर होता है जिसमें कंज्यूमर हैबिट की वजह से सामान खरीदता है। इसमें लिटिल इन्वॉल्वमेंट होता है प्रोडक्ट का या ब्रांड कैटेगरी का। एक बार एक कोई हैबिचुअल बिहेवियर बन जाता है तो हैबिट की वजह से उसी सामान को वो जहां भी आसानी से मिल जाता है वहां से खरीद लेता है। पर्टिकुलर चीजें जिनका कोई व्यक्ति शौक करता है, तो जब किसी
पर्टिकुलर ब्रांड का या गुड़ का कोई शौक करता है तो वो वहां पे वो ज्यादा चीज नहीं देखता है, बस उसको लगातार उसको खरीद लेता है, उसकी हैबिट में आ जाता है। नेक्स्ट है वैरायटी सीकिंग बिहेवियर। वैरायटी सीकिंग बिहेवियर का मतलब होता है ये ऐसा बिहेवियर होता है जहां पे वैरायटीज अलग अलग टाइप के जो कमोडिटीज हैं, अलग अलग टाइप के मॉडल हैं, अलग अलग टाइप के ब्रांड हैं, उनको यूज करता है बायर। तो जब बायर को का बिहेवियर इस टाइप का होता है तो वो हमेशा अलग अलग टाइप की चीजें खरीदना चाहता है और वो सेटिस्फाई होता है जब डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट उसको मिलते हैं। कंज्यूमर जो नई वैरायटी है वो इसलिए नहीं खरीदता कि उससे पुरानी वाली से वो सेटिस्फाई नहीं खरीदता नहीं था, बल्कि वो इसलिए खरीदता है पुरानी वाली से हो सकता है वो सेटिस्फाई हो, बट वो हर बार नया चाहता है, अलग वैरायटी चाहता है। तो ऐसा बिहेवियर वैरायटी सीकिंग बिहेवियर कहलाता है। तो इसके लिए जो मार्केटर है वो उसी हिसाब से अपनी मार्केटिंग करता है, डिफरेंट वैरायटीज लाता है अपने प्रोडक्ट में। मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन क्या है? मार्केट सेगमेंटेशन एक ऐसा मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है जिसमें जो पोटेंशियल बायर्स होते हैं उनके सबसेट बनाए जाते हैं, ये सेगमेंट्स बनाए जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग मार्केटर अपनी मार्केटिंग करता है। इसमें लोगों के सेगमेंट इस आधार पे बनते हैं कि कुछ लोगों को कॉमन प्रेफरेंस हो सकते हैं, उनकी नीड हो सकती है और उनके आधार पे मार्केट सेगमेंट किया जाता है। इसके बेसिस है मार्केट सेगमेंटेशन के ज्योग्राफिकल आधार पे, ज्योग्राफिक आधार पे किया जा सकता है, जैसे नेशंस के आधार पे, स्टेट के आधार पे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट रूरल अर्बन, जब इस टाइप का सेगमेंटेशन किया जाता है तो वो ज्योग्राफिकल कहलाता है। डेमोग्राफी सेगमेंट होता है जब डेमोग्राफी के आधार पे हो, एज जेंडर इनकम रिलीजन नेशनलिटी रेस एक्यूपेशन फैमिली साइज एटसेट्रा के आधार पे। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन कहा जाता है जब लोगों की पर्सनैलिटी लाइफस्टाइल एक्टिविटी इंटरेस्ट या ओपिनियन ऑफ पोटेंशियल कस्टमर के आधार पे किया जाए। बिहेवियर सेगमेंटेशन कहा जाता है जब मार्केट को डिवाइड किया जाए इस आधार पे जो कस्टमर्स हैं वो किस हिसाब से बिहेव करते हैं और वो डिसीजंस किस तरीके से लेते हैं। जब इस आधार पे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है लोगों का, उनके ग्रुप बनाए जाते हैं, तो इसको बिहेवियरल सेगमेंटेशन कहते हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का मतलब मार्केटिंग की एक ऐसी पॉलिसी तो होता है जिसमें कोई मार्केटर लॉन्ग टर्म अप्रोच लेके चलता है, अपने सामान को आगे लाने की कोशिश करता है। ये डिफरेंट टाइप की हो सकती है, डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अनडिफरेंशिएटेड हो सकती है, कंसंट्रेटेड हो सकती है। डिफरेंशिएटेड तब होती है मार्केटिंग जब अलग अलग टारगेट ग्रुप्स के लिए, अलग अलग कस्टमर्स के लिए अलग अलग टाइप से रणनीति बनाई जाती है, स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तब होती है जब एक सिंगल मार्केटिंग कैंपेन होता है, पूरी मार्केट के लिए वही चलाया जाता है। कंसंट्रेटेड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है जब किसी एक पर्टिकुलर जो मार्केटिंग कैंपेन होता है वो किसी एक सेगमेंट के लिए, कस्टमर के किसी पर्टिकुलर एक सेगमेंट को फोकस करके बनाया जाता है, तो कंसंट्रेटेड कहलाता है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है कि जैसे एक व्यक्ति की लाइफ साइकिल होती है, अलग अलग स्टेजेस से गुजरता है वो एज के दौरान, ठीक वैसे ही प्रोडक्ट भी अलग अलग स्टेजेस से गुजरता है। इसमें प्रोडक्ट की इंट्रोडक्शन ग्रोथ मैच्योरिटी और डिक्लाइन स्टेज आ सकती है। इंट्रोडक्शन स्टेज किसी नए प्रोडक्ट के लिए होती है जब वो पहली बार मार्केट में आता है, पहली बार मार्केट में इंट्रोड्यूस होता है। ग्रोथ जब मार्केट में आने के बाद वो जो प्रोडक्ट है वो तेज गति से बिकने लगता है, उसकी डिमांड बढ़ती है, तो ग्रोथ स्टेज कहलाती है। मैच्योरिटी स्टेज होती है जब किसी प्रोडक्ट की सेल जो होती है वो पीक पे चली जाती है, यानी कि मैक्सिमम हो चुकी होती है और उससे आगे सेल अब बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है, तब कहा जाएगा मैच्योरिटी स्टेज है। डिक्लाइन स्टेज कहा जाता है जब मैच्योरिटी से वापस गिरना शुरू हो जाती है सेल, यानी कि प्रोडक्ट का सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाता है और उसके बाद जो सेल होती है वो डिक्लाइन होनी शुरू हो जाती है, तो डिक्लाइनिंग स्टेज कहलाता है। नेक्स्ट है प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। प्राइसिंग के लिए अलग अलग से स्ट्रेटेजी अपनाई जा सकती है एक मार्केटर के द्वारा। इसमें मेजर है पेनेट्रेशन प्राइसिंग। पेनेट्रेशन प्राइसिंग में क्या किया जाता है, अपने प्राइस अपने जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस लो रखा जाता है और इस तरह मार्केट में एंटर किया जाता है। ऑप्शनल प्राइसिंग। ऑप्शनल प्राइसिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें किसी एक आइटम को हैवी डिस्काउंट पे बेचा जाता है और इंटेंशन ये होती है कि उसकी जो एक्सेसरीज है उनसे काफी पैसा कमा लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आजकल जो ब्लड ये ग्लूकोज मॉनिटर्स आते हैं शुगर को चेक करने के लिए, तो उसमें आप देखेंगे उसकी जो मशीन होती है उसकी कीमत कम होती है, और एक बार मशीन अगर कोई खरीद लेता है तो उसी की स्ट्रिप्स की जरूरत पड़ती है, उनकी कीमत काफी ज्यादा रहती है। प्रीमियम प्राइसिंग। प्रीमियम प्राइसिंग क्या होता है, इसमें एक प्रोडक्ट अच्छे महंगे प्राइस पे रखा जाता है मार्केट में, ये देने के लिए, ये सेंस पहुंचाने के लिए कस्टमर्स तक कि हमारा जो सामान है वो काफी क्वालिटी का है और हम हायर क्वालिटी ब्रांड बनाने का काम करते हैं, बाद बाकी उनके जो सामान है वो सस्ती कीमत पे भी आसानी से
मिल जाते हैं। तो एक पॉजिटिव इमेज मेंटेन करने के लिए एक सामान काफी महंगा रखा जाता है। कंपटीशन प्राइसिंग, कंपटीशन प्राइसिंग होता है जब कुछ फ्यू कॉम्पिटिटर्स होते हैं मार्केट में और वो सेल करते हैं सेम प्रोडक्ट करते हैं, नाइदर विल कम्पीट ऑन प्राइस। अब चूंकि बहुत सारे सेलर हैं तो वो प्राइस के आधार पे तो कम्पीट कर नहीं पाएंगे, इसलिए एक ही प्राइस रखना पड़ेगा। अब प्राइस तो एक रख देंगे, लेकिन अब वो जो मार्केट को गेन करना चाहते हैं वो एडवर्टीजमेंट के माध्यम से, मार्केटिंग के माध्यम से कॉस्ट रिड्यूस करके अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। बंडल प्राइसिंग, बंडल प्राइसिंग में कई सारे प्रोडक्ट एक साथ बंडल बना दिया जाता है और उनपे तब डिस्काउंट दिया जाता है सेल बढ़ाने के लिए। स्कीमिंग प्राइसिंग, स्कीमिंग प्राइसिंग होता है कि सामान को पहले ज्यादा कीमत पे मार्केट में पहुंचाया जाता है जब ज्यादा कॉम्पिटिटर नहीं होते हैं, उस समय महंगे प्राइस पे सामान बेच दिया जाता है, ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर लिया जाता है ताकि जब तक बाकी कॉम्पिटिटर आएंगे तो कंपनी अपने पुराने प्रॉफिट्स के दम पे अब प्राइस नए जो प्रोडक्ट है उनके लिए कम कर सकती है। बाइंग प्रोसेस, बाइंग प्रोसेस क्या है? खरीद की जो प्रोसेस है, खरीदार जो तरीका अपनाता है उसमें सबसे पहले उसको नीड रिकॉग्नाइज होती है कि किस सामान की उसको नीड है, फिर वो इंफॉर्मेशन सर्च करता है, जानकारी प्राप्त करता है, एवेल्युएशन करता है अल्टरनेटिव्स को, जो अल्टरनेटिव मिलते हैं उनकी जांच करता है, फिर परचेज का डिसीजन लेता है और फिर इसके बाद पोस्ट परचेज रिएक्शन आता है। मास मार्केटिंग, मास मार्केटिंग का मतलब उस स्ट्रेटेजी से है जिसमें मार्केटर एक सिंगल मार्केटिंग मैसेज बनाता है और पूरे कस्टमर्स को एक ही मार्केटिंग मैसेज देता है। सेगमेंट मार्केटिंग, सेगमेंट मार्केटिंग होता है जहाँ पे अलग अलग सेगमेंट बना लिए जाते हैं कस्टमर्स के, कि जैसे बच्चों के लिए अलग एड चलाया जाएगा या मेन के लिए अलग, वुमेन के लिए अलग, ओल्ड एज के लिए अलग, इस तरह अलग अलग सेगमेंट के हिसाब से मार्केटिंग की जाती है। निश मार्केटिंग, निश मार्केटिंग एक ऐसी स्ट्रेटेजी है मार्केटिंग की जहाँ पे मार्केटर फोकस करता है एक नैरोअर कस्टमर सेगमेंटेशन पे, यानी कि एक नैरोअर कस्टमर बेस बनाता है और खासतौर पे ये ऐसे कस्टमर होते हैं जो पुअरली टारगेटेड है, यानी कि जिनको अभी तक किसी ने टारगेट नहीं किया है, अभी तक जिनकी जो नीड है वो अनफुलफिल्ड है और उस पर फोकस करता है। ऐसे मार्केट को निश मार्केट कहते हैं और ऐसे प्रयास को निश मार्केटिंग कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्वीट्स के मामले में जो स्वीट सेलर्स हैं, अगर वो ऐसी स्वीट बनाते हैं जो शुगर फ्री है तो फिर ये निश मार्केट उन्होंने पकड़ा है, एक ऐसे लोग जो शुगर से अफेक्टेड हैं और वो स्वीट खाना चाहते हैं। माइक्रो मार्केटिंग, माइक्रो मार्केटिंग जो होता है वो निश से भी एक और नैरोअर सेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट है, उससे भी ज्यादा नैरो है, जिसमें टारगेट करते हैं पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल पे। जैसे निश मार्केट में तो था कि एक पर्टिकुलर डिमांड वाले लोग ढूंढे, अब पर्टिकुलर डिमांड वाले लोग भी एक खास ज्योग्राफिकल लोकेशन पे अगर हम ढूंढ रहे हैं कि केवल एनसीआर रीजन में ऐसे लोग को हम स्वीट्स बेचना चाह रहे हैं, तो ये एक माइक्रो मार्केटिंग हो गई और छोटे लेवल की मार्केटिंग हो गई। तो ये था मार्केटिंग से रिलेटेड सेकंड वीडियो और हमने ज्यादातर इसमें जो टॉपिक्स है मार्केटिंग से वो कवर किए हैं जो पीजीटी कॉमर्स के लिहाज से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा और डिटेल्ड और डीप मार्केटिंग के लिए हम नेट लेवल के लिए वीडियो बनाएंगे, उसमें मार्केटिंग को और डीप लेवल पे लाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।